जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एक नई ट्रिक लेकर के आए हैं, आप ट्रिक देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है। खोज और खोजकर्ता है ना, आविष्कार और आविष्कारक के बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारे नए साथी हैं, जो हमारी ट्रिक से परिचित नहीं है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों। आपको कोई कोड याद नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सीधे परीक्षा में बैठना है और आपको ट्रिक याद आएगी। ऐसी ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले आपसे टेस्ट करवाएंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, याद करवाएंगे। पहला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 2 सेकंड है आपके पास, उत्तर आपको बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब एक चीज यहां पर आ जाओ थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन से आपको क्या समझ में आता, थोड़ी सी फीलिंग होगी, हो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है। इस बच्चे ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिया और इसकी सांसें क्या हो गई, थम गई, इसकी सांसें थम गई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करेंगे, थॉमसन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर पकड़ा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक वायर पकड़ लिया, आप भी पकड़ोगे तो आपकी भी सांसें थम जाएंगी, तो थॉमसन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना है आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, ठीक है। याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला देखते हैं दोस्तों, क्लोरीन की खोज किसने की? क्लोरीन से क्या हो जाएगा आपका, किलो बन रहा है यहाँ पर, किलो, 50 किलो क्लोरीन। अब आपको हिंट दे दी मैंने, आप जल्दी से बताएं 2 सेकंड में, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, सीले है ना। अब यहां पर देखो जरा, मैं बोलूं आप मेरे पास आए कि सर मुझे 50 किलो शक्कर दे दो, मैंने बोला मैंने 50 किलो शक्कर तौल दी है, अब बोरी को सीले और ले जा, बोरी को सीले और ले जा, कितने किलो, किलो से क्या हो जाएगा, क्लोरीन, किलो से क्लोरीन और सीले, है ना। मैंने 50 किलो बोरी में शक्कर भर दी है, सीले और ले जा। तो क्लोरीन की खोज सीले, याद रख लेना, किलो, किलो से किलो शक्कर याद आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। अगला आपका है, बारूद की खोज किसने की थी? आप बोलते हो सर बारूद लगी है, सिर्फ चिंगारी की देर है, वो ही है ये बारूद। बारूद की खोज किसने की थी आपको बतानी है, किसने की थी? 2 सेकंड है आपके पास, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रोजर बेकन। किसने की थी? रोजर बेकन ने। यहां पर देखो, ये जो बारूद है ये रोज बिकना है। मैं आपसे पूछूंगा बारूद कब बिकना है, आप बोलोगे रोज बिकना है, बारूद कब बिकना है, आप बोलोगे रोज बिकना है, तो बारूद की खोज रोजर बेकन, रोज बिकना है, रोजर बेकन, ठीक है। याद हुआ हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही फनी वीडियो आप तक आएंगे, लाइक करके शेयर जरूर करना। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? मलेरिया सभी लोगों को होता है ना, मच्छर काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है, एडीज मच्छर, है ना, तो बताना है 2 सेकंड में आपको, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। अब आपको अगर मलेरिया हो जाए, भगवान ना करे, तो आप क्या करोगे, रोने लगोगे और आपको कुछ भी रॉस नहीं आएगा, ना खाना रॉस आएगा, ना किसी से बात करना रॉस आएगा। मलेरिया की चिकित्सा की खोज कौन करेंगे? रोनाल्ड रॉस। कौन करेंगे? रोनाल्ड रॉस। क्योंकि मलेरिया हो गया तो रोने लगोगे और कुछ भी रॉस नहीं आएगा, तो रोनाल्ड रॉस। दोस्तों याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, रोनाल्ड रॉस आपको याद हो गया होगा। दोस्तों बताना है अब आपको, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? आपने भी पोलियो की दवाई पी होगी छोटे में, है ना, वो लोग आते थे बोले आ करो और डाल दिए एक बूंद, है ना, जिंदगी के लिए 2 बूंद। पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हाल ही में, कौन है, अमिताभ बच्चन साहब हैं, और पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों साल्क। क्या हो जाएगा? साल्क। अब साल्क से क्या बनेगा? साग सब्जी, है ना, साग सब्जी। पहले क्या करते थे, इस प्रकार से पिला देते थे, बोलो आ करो और पिला दी, अब हमें साग सब्जी में खाना है। बोले सर अब हम पियेंगे नहीं, अब तो हम साग सब्जी में खाएंगे, क्या, पोलियो। तो पोलियो की खोज साल्क ने की थी, अब हम पियेंगे नहीं, हमें काय में खाना है, अब साग सब्जी में खाएंगे। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? साल्क ने।
अब याद हो गया होगा आपको, ठीक है। देखें टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी दोस्तों, टीबी यानी कि क्षय रोग है ना, तो टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी, 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी की चिकित्सा की खोज, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। यहां पर देखो अब कोच से आपको याद नहीं आया कि सर आजकल रेलवे में स्मार्ट कोच लगने लगे हैं जहां पर टीबी भी उपलब्ध है, क्या लगने लगे, स्मार्ट कोच। यहां पर देखो ये स्मार्ट कोच है, यहां पर टीबी भी सब उपलब्ध है, तो टीबी की जो वैक्सीन है इसकी खोज कौन करेगा, कोच ही होगा ना कोई कोच, तो रॉबर्ट कोच इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। टीबी की चिकित्सा की खोज की थी किसने, रॉबर्ट कोच ने। अब टीबी कोच में भी लगने वाले लगे हैं रेलवे कोच में, तो इस प्रकार से याद करना है। अगला देखो टाइफाइड की जो जीवाणु है इसकी खोज किसने की थी, टाइफाइड मोतीझरा बोल देते हैं इसको, मोतीझरा आपको कभी हुआ हो है ना, या किसी को हुआ हो आपको पता होगा, तो जल्दी से बताएं, 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोबर्थ, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी, रोबर्थ ने की थी। अब यहां पर आ गया बर्थ, क्या आ गया बर्थ, हम बोल देंगे कि आपका बर्थ क्या है, तो आप बोलोगे सर आज ही तो है मेरा बर्थ, यानी कि आज क्या है आपका बर्थडे है ना, क्या है आज का बर्थडे है, तो आप क्या करोगे टाइफाई लगा के आओगे, और मैं बोलूंगा सच क्या बात है टाइफाई लगा के आ गए दोस्त, तो आप बोलोगे सर आज मेरा बर्थ है, बर्थ है ना, आज मेरा बर्थडे है, वेरी गुड। तो टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी, रोबर्थ ने की थी, रोबर्थ है ना, वर्थ में हमें क्या लगाना है, टाइफाइड पहन के आना है, बिल्कुल इस प्रकार से, ये टाइफाई है इसका वर्थ है ना, सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोल देना इसको, वर्थ है इसका। अगला देखो विटामिन सी की खोज किसने की थी, विटामिन सी दोस्तों, सी सी नहीं करना है आप, सी विटामिन सी की खोज, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होल कट, किसने की थी, होल कट। अब सी फॉर कैट नहीं बोल देना, अब कट बोलना है, सी फॉर कट, तो होल कट, और यहां पर देखो जरा सी में एक कट लगा है, यहां से कट, यहां पर पूरा है और यहां पर एक कट लग गया, तो होल कट, यहां पर होल है और कट लगा है, तो विटामिन सी की खोज किसने की थी, होल कट ने की थी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस कार्बिक है, क्या है, एस कार्बिक। मैंने बोला कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपने बोला सर सी फॉर तो कार होता है और कार बिक रही है, मैंने बोला कार बिक रही है कि हाँ यस कार बिक रही है, तो एस कार बिक अम्ल, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी हो जाएगा, और विटामिन सी की खोज की थी होल कट ने, ऐसे भी याद करना है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, अब दोस्तों आपको ट्रिकी वे में याद करना है, आप लोग बोलते हैं कि मेरे नंबर कम क्यों आते हैं, आप कुछ नया करो, पढ़ते तो आप बहुत हो लेकिन कुछ ऐसी चीजें याद करो जिसको जानते हुए भी आप पेपर में गलत करके आते हो, ऐसी ट्रिक से याद करो कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। आप लगातार बने रहे इस चैनल पर, आपको ट्रिक की ट्रिक वीडियो मिलेंगे। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप, आप बोलते ना मेरा ब्लड ग्रुप है ए प्लस है ना, ऐसे ही आपका ब्लड ग्रुप होगा, आप बोलोगे सर मुझे ब्लड ग्रुप की जरूरत है, बोलोगे ना कभी जरूरत पड़े तो बता देना। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, तो आप बोलोगे सर मुझे ब्लड ग्रुप की जरूरत है, मैं बोलूंगा कब, आप बोलोगे सर कल, बोलोगे कल हाँ, और मुझे कल लेके कहां करना है, लैंड करना है और दिल्ली जाना है, तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की जरूरत कब है, कल है, तो कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। अगला बताना है दोस्तों आपको इंसुलिन की खोज किसने की थी, 2 सेकंड में आपको उत्तर का चयन करके कमेंट में लिख देना है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटिन, बैटिन से नहीं लग रहा आपको, बैटिंग, बैटिंग, बैटिंग कौन करते थे, सुनील गावस्कर, और यहां पर देखो इंसुलिन, इंसुलिन मतलब सुनील, ऐसे आभास नहीं हो रहा आपको, इंसुलिन सुलिन है ना, तो सुनील गावस्कर क्या करते थे, बैटिंग करते थे, तो इंसुलिन की खोज कौन करेंगे, बैटिन, बैटिन, बैटिंग से बैटिन, इंसुलिन सुनील है ना, गावस्कर बैटिंग करते थे, ये बैटिंग, ठीक है। अब बताना है आपको जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु, अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि संसार में प्रत्येक जीवाणु को जीने का हक है, हक है कि नहीं है, आप थोड़ा सा सोचो,
प्रकृति ने किसी जीवाणु को यहाँ पर भेजा है, धरती पर बनाया है, तो उसको जीवन जीने का हक है, तो जीवाणु की खोज कौन करेंगे? जल्दी से बता देना। और आपका बिल्कुल सही आंसर आपने बता दिया है, ट्रिक आपने भी लगा ली है, ल्यूवेन हॉक, है ना, जीवाणु को जीने का क्या है, हक है, हक, तो ल्यूवेन हॉक, ठीक है, जीवाणु को जीने का हक है, टी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स वाट ने। किसने की थी, जेम्स वाट, ये देखो मिस्टर सुधीर चौधरी जी न्यूज के, है ना, ये क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते, न्यूज का डीएनए, डीएनए टेस्ट करते और सबकी बाट लगा देते हैं, और जिसका बनता था बिगड़ता था सबका किरकिरा कर देते, क्या करते थे, किरकिरा। तो डीएनए, डीएनए की खोज कौन करेंगे, जेम्स वाट, क्योंकि ये डीएनए में वाट लगा देते हैं और किरकिरा कर देते, तो क्रिक, जेम्स वाट क्रिक, ठीक है, अब भूलना नहीं आप कभी, डीएनए, बोले डीएनए सर ने बताया था कि डीएनए में वो क्या करते, वाट लगा देते सबकी, है ना, आप भी देख लेना सुधीर चौधरी का डीएनए टेस्ट जी न्यूज पर, तो जेम्स वाट आपने भी देखा होगा। अगला बताना है दोस्तों, विटामिन डी की खोज किसने की थी, विटामिन डी की खोज, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, हॉपकिंस, किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, क्या है, कैल्सीफेरॉल, और कैल्शियम आपको मिलता है सूर्य से, ठीक है, लेकिन यहां पर विटामिन डी, और डी फॉर डैडी, और जो डैडी होते हैं आपके डैडी, वो घर के हॉपकिंस किंग होते हैं, फुल नहीं होते, अब बोल नहीं देना, आप डैडी से पूछ लेना थोड़ी सर, आप डैडी आप घर के हॉपकिंग हो, डैडी बोलेंगे हाँ हॉपकिंग है, हॉपकिंग, और फिर बोलना कि हाँ बाकी हॉपकिंग कौन है, तो वो बोलेंगे यहाँ पर इस चित्र में कि हॉपकिंग आपकी मम्मी और हॉपकिंग मैं हूँ, ठीक है, तो डी फॉर डैडी और डीडी क्या रहते हैं, हॉपकिंग रहते हैं घर के, तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी, हॉपकिंस याद कर लेना है दोस्तों, फनी ट्रिक जैसे भी याद हो, याद होनी चाहिए। होम्योपैथिक की खोज किसने की थी, प्रश्न क्रमांक 14, होम्योपैथिक की खोज, चार विकल्प हैं और आपको बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आ, विकल्प नंबर आ यानी कि हनीमैन, अब हनीमून नहीं बोल देना, नहीं तो बोले सर मैं तो हनीमून मनाने जा, ऐसा नहीं है, होम्यो, होम्यो आया आपका होम, होम में कौन रहता है, मैन रहते हैं, लेकिन और कोई भी रहता है, यहां पर देखो ये है होम, यहां पर मैन भी रहते हैं और हैन भी रहते हैं, हैन से हैनी मैन, हैनी मैन, है ना, होम में कौन रहते हैं, हैनी रहते हैं और मैन, तो हैनी मैन, होम्योपैथिक की खोज किसने की थी, हैनी मैन ने, ठीक है, याद हो गया आपको। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों एस्प्रिन की खोज किसने की थी, अगर आपको याद हो रहे हैं, अगर वास्तव में आपको याद हो रहे हैं तभी लाइक करना, ठीक है, नहीं हो रहे तो बिल्कुल भी नहीं करना, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करके कमेंट में बता देना सर मुझे बहुत पसंद आया आपकी ट्रिक, तो और भी बहुत सारी ट्रिक आपके लिए बना करके लाऊंगा, प्रयास करूंगा, रातों रात जागकर आपको ट्रिक बनाऊंगा, सिर्फ आपको कमेंट में बताना है एस्प्रिन की खोज किसने की थी, ड्रेसर, बैटन, हॉपकिंस, ल्यूवेन हॉक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपने बताया ड्रेसर, ड्रेसर यानी कि होता है ड्रेस, है ना, ड्रेस, और ड्रेस में यहां पर क्या है, एस्प्रिन, तो आप ड्रेस अगर आपकी ढीली हो तो आप पिन लगा लेते हो, मम्मी पापा बोलते ढीली है थोड़ा पिन लगा लो बेटा बोलते, तो एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने, ये है ड्रेस, आप ड्रेस पहने हो और ढीली हो रही तो थोड़ा सा पिन लगा लेना, है ना, ड्रेस में पिन लगाना है, तो एस्प्रिन की खोज ड्रेसर। अब दोस्तों यहाँ पर अपने प्रश्न जो है वो खत्म होते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है ताकि आप बोर ना हो, है ना। अब आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और दोस्तों आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन, है ना, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो, और फेसबुक पर सुमित जैन सर्च करना है, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से एक कमेंट जरूर बताना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।